told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद अब्बास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। इस वक्त मैं HS कंप्यूटर में मौजूद हूँ और प्यारे से लैपटॉप्स हैं और अमार भाई कवर करेंगे वीडियो को, लास्ट तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। आपका गला बैठा बैठा लग रहा है मुझे यार, गला खराब हुआ हुआ मेरा। किसके नारे लगाए हैं, किसके जलसे में गए थे? लगाए नारे। अच्छा, वैसे ही बैठा हुआ है। लैपटॉप बेचने के नारे लगाते हैं। लैपटॉप के नारे लगा रहे थे, लैपटॉप लैपटॉप के सस्ते हो गए इसलिए नारे लगा रहे थे? नहीं, सस्ते तो नहीं है, इधर अब आजकल बिक नहीं रहे हैं। मार्केट वैसे डाउन हुई है आजकल, ठीक हो गया। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और आप बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं सर, आपकी मोहब्बत है और आप है तो बड़े लोग, आपके मुकाबले तो हम आ नहीं सकते, दूर दूर तक सलाम करते हैं आप। और आप प्यारे लग रहे हैं, आपके ना ये जो व्हाइट सूट है, चिट्टा कुर्ता, साडी फरमाइश से कहते हैं ना काला जोड़ा पा, चिट्टा चोला पा, पंजाबी भी कहते लोग बोलिया करो, उसी ना थोड़ा मिस कर दें, तुम ना उर्दू बोलते रहने, चलो आज पंजाबी बना लेने वीडियो थोड़ी बहुत ही है वो विच पंजाबी जड़ी ना कैंट लग रहे हो तुसी आज। ये हुन कहणगे कि इन्होंने अपनी पंजाबी शुरू कर ली है, प्योर प्योर पंजाबी। हां ते देखो जी, सोना साडा जवान जिन्होंने कहंदे मलाइयां खादी हुई हैं, जिन्होंने कहंदे ना कि जवानी दा जवान मैदाने पता लगदा है, ये मैदान ही है इन्हां दा। सर लैपटॉप वाला आ जी जी, हुन लैपटॉप बताया जी, कौन कौन से कवर करेंगे आज? सबसे पहले मॉडल हम लोग कवर करेंगे, डेल लैटिट्यूड है ये, 73902 in 1 मॉडल है इसका, ठीक है। ठीक है जी, और ये i5 है, 8 जनरेशन है, 8GB रैम है इसमें और 256GB SSD है, टच है, 360 है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको क्लियर कर दूँ, ये पूरी ना मशीन इस तरह मूव होती है, ठीक है, टच 360 है। हाँ, ये टच है, 360 है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बेजल्स जो है ना वो मतलब बड़े कम है, अगर थोड़ा सा क्लोज करें जी, तो इसके बेजल्स जो है ना वो बहुत कम है, बेजल्स जो है ना इसके वो मोटे वाले नहीं है। और इसके अलावा इसको ऑन भी करके चेक कर लेते हैं, इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फुल HD IPS स्क्रीन है इसकी, और इसके फुल HD है, 1080p है गाइस, 1080 है, लेकिन AMOLED स्क्रीन है इसकी। ये देखिए गाइस, खूबसूरत लैपटॉप, ये प्यारा सा खूबसूरत सा लैपटॉप आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे खुद ही मैंने उठा लिया, लाइट वेट लैपटॉप है ये, डेल का लोगो है, अभी इसको ऑन करके वो दिखाना चाह रहे थे आपको, विंडोज 10 अभी इसके अंदर हुई है। बैकलाइट देखें, कीबोर्ड जो है वो इसका बैकलाइट ऑन है, और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये खूबसूरत जो लैपटॉप है अमार भाई जैसा, स्लिम स्मार्ट लाइट वेट मशीन है, जब ये स्लिम कहते हैं तो मैं अमार नहीं कह सकता भाई जान, आप फिर RJ को कंसीडर कर लें। बैक साइड भी अब इसकी दिखाएं, एक बंदे ने तो कमेंट ही कर दिया, पता क्या कह रहा था, कहता है एक मोटू और एक पतलू, उसने आपको मोटू को मुझे पतलू बना दिया। यार सलाम है उनको। वो इंडिया से हैं बंदे, अच्छा इंडिया से करते हैं वो कमेंट, वो आपकी वीडियो बड़ी देखते हैं, आपको सलाम दुआ भी कर रहे होते हैं, आप कमेंट नहीं पढ़ते, कम ही पढ़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये फिर कितने का दे रहे हैं अभी? ये जो आपकी रेफरेंस से जो भी आएगा ना, RJ 500 की रेफरेंस से, ठीक है, हम देंगे 65,000 का, लेकिन ये फाइनल प्राइस और होलसेल प्राइस है, ठीक है, इसके अंदर मतलब और मजीद हम कंसेशन नहीं कर सकते, ठीक है, 65,000 का फाइनल, और ये इंशाल्लाह मार्केट से कुछ 4-5,000 रुपए कम प्राइस है, ठीक हो गया, 4-5,000 रुपए कम प्राइस में गाइस ये आप हासिल कर सकते हैं HS कंप्यूटर लाहौर से। सेकंड लैपटॉप पे चलते हैं जी, सेकंड वाला जो है HS कंप्यूटर ट्रेडिंग, जी जी बिल्कुल, ठीक है, ये है जवाब पे डेल XPS सीरीज ना, ये जरा हाई एंड मशीन होती है, ठीक है, और एक कोर i7 है, 7th जनरेशन है, वी प्रो प्रोसेसर के साथ है, और इसका ये टेक्सचर आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, बड़ा ही जबरदस्त जो है ना इसका टेक्सचर है, और खूबसूरत मशीन है, स्लिम स्मार्ट है, और ये भी मजे की बात है कि ये देखें 360 है, पूरी मूव हो जाती है, ये पहले वाला भी 360 था, ये भी 360 है, और ऑब्वियसली टच भी होगा, टच भी है, और इसकी जो है ना इसके अंदर फेस अनलॉक की ऑप्शन भी है, फेस अनलॉक उसमें नहीं था पहली बारी में, नहीं उसमें नहीं, इसमें था, ये देखेंगे साइड्स भी आप देख सकते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट, और बिल्कुल लाइट वेट मशीन है, XPS टॉप ऑफ द लाइन होती है, आपको पता, ये देखेंगे रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन इसकी फुल HD IPS है, फुल HD IPS जी, और इसकी बैक साइड भी आप देखें, बड़ी खूबसूरत है, ओए होए XPS, हां मेटल बॉडी है इसकी,
क्या देखें जी, प्यार से मैं दिखा रहा हूँ बड़े पास से, और ये अब ये ना कह दीजिएगा ये न्यू है, न्यू नहीं है, न्यू नहीं है लेकिन यूज में ही है, लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन है ये यूज्ड में। ठीक है जी, और अभी इसके हम दोबारा से स्पेक्स पूछते हैं एक बार इनसे, हमारे भाई स्पेक्स बता दीजिएगा एक बार जी। मैं कोर आई ये 7 है या 5 है? ये है कोर आई 7 और 7th जनरेशन है। ठीक है, रैम कितने जीबी है? रैम इसके 16 GB है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में हम चलेंगे जी। ये जी कोर आई 7 जनरेशन, ठीक है जी, 16 GB रैम है, 16 GB रैम है इसके अंदर, और पेन सपोर्टेड है ये मशीन, स्टाइलस आप लगा सकते हो, और 256 GB इसमें SSD है, SSD है, और ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट बैकलाइट है, टच 360 है, फेस अनलॉक है, सारी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है गाइस, ये जो लैपटॉप है HS कंप्यूटर ट्रेडिंग से आप हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्प्ले, बिल्कुल बेजललेस स्क्रीन है। ठीक है, ये बेजललेस स्क्रीन है, ये दिखा सकते हैं, ये मैसेज ये देखिए बिल्कुल। ठीक है सर, ये सर कितने की? ये जो आप जो आपको मिल जाएगी, मतलब जो आपके व्यूवर्स आते हैं आपके रेफरेंस से 95,000 की 95,000 रुपए की, 16 GB और 256 SSD के साथ, XPS 13 इसका मॉडल है, XPS 13 95,000 के गाइस। अभी इन्होंने 70 वाला पकड़ लफ्ज ना मेरा पकड़ लेना कि आपने 75 का तो 95 है ना, ये आप कंडीशन देख सकते हैं अच्छे तरीके से जी। नेक्स्ट पे आ जाए सर, ये लास्ट लैपटॉप है, ये तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, जिन्होंने ऑफिस वर्क करना होता है, उनकी बेहतरीन फेवरेट मशीन है लेनोवो थिंकपैड T480। ठीक है, ठीक है जी, ये होती है काम करने के लिए, ठीक है ना, आपने अगर रगेड सीरीज आपको चाहिए, आपका तो रफ टफ यूज़ करना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, उसके लिए बेहतरीन मशीन है ये, है कोर आई 5 8 जनरेशन। ठीक है, ये भी टच स्क्रीन है, ये भी टच आपने तीनों टच रखी थी, ये टच है लेकिन मैट वाला टच है ना ये देखिए। ठीक है, कोर आई 5 है और 8 जनरेशन है, ठीक है जी, 8 GB रैम है इसके अंदर, और इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ जी, इसके अंदर है 256 GB SSD, ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेक्स होती है, एक्सटेंडेबल है, ठीक है, रैम भी और SSD भी, और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1920x1080 है, फुल HD स्क्रीन है इसकी। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ 1920x1080, ये देखिए जी 1920x1080 है, और इसके अंदर मजे की बात है कि इसमें बैटरियाँ दो होती हैं, ड्यूल बैटरी, ठीक है, ड्यूल बैटरी बाहर होती है बैटरी और एक अंदर होती है इसकी बैटरी। ठीक है, इसका जो चार्जिंग टाइप सी है, इसका चार्जर जो है वो टाइप सी है, और इसके अंदर सारी पोर्ट्स आप दिखा दें, फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर, मतलब ये देखें इसकी सारी पोर्ट्स अवेलेबल है इसके। ठीक हो गया, साइड से दिखाएं मुझे, साइड से पोर्ट्स ये देखिए, खूबसूरत लैपटॉप है, लेनोवो के हार्डकोर लैपटॉप होते हैं, जाते कहीं नहीं है, डिपेंड करता है आप यूज कैसे करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए टी सीरीज है, टॉप ऑफ द लाइन होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी देखिए ये तो अब आप पे यूजेज पे है ना, आप किस तरह से इसको यूज करते हैं, एक लैपटॉप की लोग मेरे से पूछ रहे थे लाइफ कितनी होती है यूज लैपटॉप की। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर ना, लाइफ कितनी है, कुछ लोग ओवरनाइट चार्ज करते हैं उसकी लाइफ तो खराब हो जाएगी, बैटरी बैटरी कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब वो केयर ही नहीं करते, ऑयली हाथ लगा देते हैं, ऊपर पानी गिर गया तो मसला नहीं है, उसकी फिर लाइफ नहीं होती ना, अगर आप नॉर्मल केयरफुली यूज करते हैं तो तकरीबन कुछ 4-5 साल चलता है। मेरा भी ये क्वेश्चन था, ये मदरबोर्ड कैसे खराब हो जाता है? देखिए मदरबोर्ड जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन, ठीक है, उसकी वजह से भी खराब हो सकता है, ठीक है, बिजली की वजह से, ओवर चार्जिंग की वजह से भी खराब हो सकता है, काफी ज्यादा इसके अंदर इश्यूज होते हैं। अच्छा, कुछ लोग खुद ही लैपटॉप खोल लेते हैं और उनके लिए क्या मशवरा? देखिए अगर उनको पता है, उन्होंने पहले आइडिया है तो तब खोलेंगे कि वैसे नहीं खोलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए अगर आपको टूल है पूरे और आपको आइडिया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, अगर टूल्स हैं आपके पास तो आपको आइडिया है तो आप खोल लें, अगर आप बिल्कुल आम पेचकस से खोलना शुरू कर देंगे तो वो तो मशीन छुरी से खोलते हैं, छुरी से पेचकस बना के तो फिर नहीं होगा ना, छुरी से ना खोला करें, वो जिसका काम है उसी को साझे कहते हैं, जिसका काम है उसी को साझे, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे भाई एड्रेस बताएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस है हमारा 49A फर्स्ट फ्लोर HS कंप्यूटर ट्रेडिंग फी सेंटर, और कॉन्टैक्ट नंबर है 03454567804। ठीक होगा गाइज, इनके नंबर जो है, इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है HS कंप्यूटर ट्रेडिंग के नाम से, वहाँ भी इनको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी इन कॉन्टैक्ट करें कि मेरा गला जल्दी ठीक हो जाए, गला इनका बैठा हुआ है, खड़ा हो जाए मतलब सही हो जाए, बैठ जाए, वो आराम कर रहा है बैठा हुआ है अभी, आवाज़ की समझ नहीं आ रही है, हाँ थोड़ी सी कहेंगे लोग शिकायत करेंगे आवाज़, लेकिन कोई नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, आप आराम से सुनेंगे तो बाकी तो चीज़ें बंद करके सुन लीजिएगा आवाज़ आ जाएगी। इस वक्त आपका दोस्त है, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, और इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट RJA500 HS कंप्यूटर से, और फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप है 49A। इजाजत चाहता है, अल्लाह हाफिज। I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of